हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति प्रणव। और मैं हूँ प्रीति। आज मैं आपको इस बहुत ही ब्यूटीफुल से लहंगे में देख रही हूँ इस वीडियो में। ये वीडियो एक्चुअली बहुत ज़्यादा डिफरेंट वीडियो है। मैंने सोचा कि कुछ डिफरेंट करते हैं, दैट्स व्हाई ये वीडियो बनाया। ये जो लहंगा आपको दिख रहा है, ये बहुत ही एंटीक लहंगा है। ऑलमोस्ट 34-35 ईयर्स पुराना लहंगा है। मेरी मदर इन लॉ का वेडिंग लहंगा है। सो आई थॉट कि इसको पहनकर एक वीडियो बनाना तो बनता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये है मेरे मदर इन लॉ का वेडिंग का गेटअप। इस तरीके से मम्मी रेडी हुई थी, बिल्कुल सिंपल सा। मेकअप तो है ही नहीं, बिल्कुल सिंपल है फेस, और बहुत ही मतलब नेचुरल जो लुक है, नेचुरल जो ब्यूटी है वो दिख रही है। तो मैंने सोचा मैं भी एकदम सिंपल रखूँगी अपना फेस। वैसे भी मैं ज़्यादा मेकअप लेकर आई नहीं हूँ यहाँ पर, आप सबको पता है। ज्वेलरीज भी बहुत ज़्यादा घर में नहीं है, क्योंकि मम्मी ज़्यादा आर्टिफिशियल ज्वेलरीज पहनती नहीं है, और गोल्ड घर पर कौन रखता है। तो मम्मी भी थोड़ा मेरी हेल्प कर रही थी कि ये ज्वेलरी पहन ले, वो ज्वेलरी पहन ले। सो बहुत ही नॉर्मल सा मैंने मेकअप किया, और मेकअप मैंने एज इट इज़ वही किया जो मैंने अभी कुछ दिनों पहले आपके साथ में एक राजस्थानी लुक शेयर किया था। ऑलमोस्ट मैंने वही मेकअप पूरा फॉलो किया है, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा मेकअप प्रोडक्ट्स लेकर यहाँ पर नहीं आई हूँ, और लॉकडाउन की वजह से परचेज़ भी नहीं कर पा रही हूँ न्यू मेकअप में। सो बिल्कुल नॉर्मल सा आई शेडो, बहुत ही नॉर्मल सा ब्लश, हाईलाइटर बिल्कुल नहीं लगाया मैंने। जो फाउंडेशन लगाया उसकी भी कवरेज एकदम मिनिमम कवरेज रखी है, बहुत ही ज़्यादा मिनिमम कवरेज रखी है। और लाइनर भी सिंपल सा लाइनर लगाया है, हल्का सा काजल लगाया है। ऑलमोस्ट मैंने यही कोशिश करी कि बिल्कुल नॉर्मल रखूँ, क्योंकि पहले क्या होता था, शादियों में ब्राइड्स को उतना रेडी नहीं करते थे। अभी तो मेकअप से पूरा चेहरा ही चेंज कर देते हैं। मम्मी का जैसा आपने फ़ोटो देखा, मेकअप बिल्कुल नॉर्मल था, नॉमिनल मेकअप था। सो लाइनर लगा लिया मैंने, काजल भी मैंने बहुत थिक सा नहीं लगाया, बस ऐसा लगाया कि आंखें कजरारी लगे, दैट्स इट। एंड थोड़ा सा मस्कारा लगा लिया। सो ये था बिल्कुल सिंपल सा मेकअप। ऑलमोस्ट सारा मैंने वही मेकअप फॉलो किया। अगर आपके पास भी ऐसा कोई बहुत ही विंटेज लहंगा या विंटेज साड़ी है, तो उसको पहन के मेरे साथ इंस्टा पर फ़ोटो ज़रूर शेयर करिएगा। लास्ट टाइम भी मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने फ़ोटोज़ शेयर की थी जो राजस्थानी पोशाक है उसकी, बट मैंने उसे स्टोरी पे शेयर इसलिए नहीं किया क्योंकि कुछ लोग एग्री थे शेयर करने के लिए, कुछ उतने कंफर्टेबल नहीं थे कि मैं उसे स्टोरीज पे शेयर करूं, दैट्स व्हाई मैंने शेयर नहीं किया था। बट अगर आपके पास में कोई बहुत ही विंटेज साड़ी या लहंगा है, तो उसे पहन के मेरे साथ इंस्टा पर ज़रूर फ़ोटो शेयर करें, मैं उसे स्टोरी बनाऊँगी अगर आप अग्री करेंगे, आपको कोई इशू ना हो तो। नेक पर मैंने मतलब सिमिलर मिलता जुलता मैंने नेक पीस पहना, जिसमें कि पिंक स्टड ही लगे हुए थे, एंड इयर रिंग उसके झुमके जो थे वो मैचिंग के पहने। चूड़ियाँ भी मैंने पहले से ही पिंक पहन रखी है, और क्या कहते हैं, बाल जो है एकदम सिंपल रखा है, क्योंकि मैंने आपको फ़ोटो दिखाया था, कोई एज सच हेयर स्टाइल नहीं की थी मम्मी ने, और मांगती का हमारे पास में डिफरेंट था नहीं, तो मैंने नेकलेस का ही, जैसे कि आपने वीडियो में शुरू में देखा था, मम्मी ये लगा के मुझे बता रही थी कि इसका मांगती का बना सकती हो, तो मैंने इसी का मांगती का बना लिया। बालों को बिल्कुल सिंपल पीछे जैसे चोटी करते हैं उस तरीके से मैंने क्लचा लगा लिया, एंड इयर रिंग भी मैंने, ये जो इयर रिंग का चेन होता है उसको फंसा लिया, और नोज़ रिंग, ये नोज़ रिंग ही मैंने लास्ट वीडियो में पहना था, वो राजस्थानी गेटअप वाले वीडियो में भी, क्योंकि नोज़ रिंग भी आर्टिफिशियल नहीं थी घर पे, सो इसलिए बस। और फिर दुपट्टा जो था उसे उसी अकॉर्डिंग, जैसा कि ब्राइड्स लेती हैं, बिल्कुल उसी अकॉर्डिंग ले लिया था मैंने, बिल्कुल वैसे ही ले लिया था। और दैट्स इट, ये है मेरा फाइनल लुक। कैसा था मुझे ज़रूर बताना, एंड कमेंट करना, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक भी ज़रूर करना। और मुझे एक्चुअली इसका सबसे बेस्ट पार्ट इसका कलर लगता है, इस लहंगे का बहुत ही प्रिटी कलर है, पूरा जो पैटर्न वर्क वगैरह है बहुत सुंदर लगता है, इतना पुराना है स्टिल बहुत सुंदर लगता है, बहुत ज़्यादा सुंदर। तो ये था ओवरऑल लुक। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और मैं सोच रही हूँ मेरा वेडिंग लहंगा भी यहीं पर रखा हुआ है, मेरे ससुराल में ही रखा हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ एक वेडिंग लहंगा, जो मेरा वेडिंग लहंगा है उसे पहनकर भी एक वीडियो बनाऊं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना वो वीडियो देखना चाहेंगे आप। सो ये था बस मेरा वीडियो, फ़ोटो ज़रूर शेयर करना मेरे साथ में इंस्टा पर, या तो कोई विंटेज पुरानी साड़ी हो वो पहन के, नहीं तो कोई भी आपका प्यारा सा अगर एथनिक लुक हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, तो वो फ़ोटो मेरे साथ में शेयर करें, जिसमें आपने अपनी फेवरेट लहंगा फेवरेट साड़ी पहनी हो, आप अच्छे से रेडी हुए हो, वो फ़ोटो मेरे साथ में इंस्टा पर ज़रूर शेयर करें, या तो मैसेज करें मुझे DM, या तो फिर आप मुझे टैग करें इंस्टा पर। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर अच्छी सी होम रेमेडी के साथ में। ओके, बाय बाय। लाइक कर देना, शेयर कर देना।